हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नाइटी काटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया, कॉटन का फैब्रिक है, मैंने 3 मीटर लिया। तो आपका अगर हाइट कम है तो 2.5 मीटर भी आप ले सकती हो। पहला तो मैंने बैक साइड का काटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि आगे जो ये फ्रंट है उसको थोड़ा सा मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ, इसलिए मैं बैक साइड का पहला काटिंग करके ले रही हूँ। देखिए, मैंने जितना लंबाई है उससे मैंने 3 इंच ज़्यादा लिया। जैसे कि ये जो नाइटी का लंबाई है ये 53 है, तो मैंने 56 इंच लिया। और अपना तरफ बंद है और आगे का तरफ ओपन है। अभी देखिए, ये शोल्डर मैं ले रही हूँ, जितना शोल्डर है उससे 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। जैसे कि मेरा जो शोल्डर है 7.5 है, और 1/2 इंच ज़्यादा लेके 8 इंच पर मैंने ड्रॉ किया। अभी देखिए, आर्म होल के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आर्म होल देखिए, जितना चेस्ट है और उसका जितना चेस्ट है उसका 1/4 भाग करने का, और 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। तो मेरा जो चेस्ट है 34 है, तो 8.5 है, और मैं 1/2 इंच ज़्यादा लिया तो 9 पे मैंने ड्रॉ किया। ये जो फॉर्मूला है आप कौन सा भी चेस्ट को यूज़ कर सकती हो। ये ऑल साइज़ के लिए है। अभी देखिए, चेस्ट का लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। मेरा जो चेस्ट है 34 है, उसको 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद 8.5 आया, और मैंने 3 इंच लूजिंग लिया। देखिए, 8.5 और 3 इंच मैंने लूजिंग लिया। अभी देखिए, आर्म होल के लिए मैंने शेप दे रही गोलाई पे, 1.5 में मैं गोलाई पे शेप दे रही हूँ, मतलब 1/2 इंच लिया, 1/2 इंच पे मैंने उसको शेप दे दिया। अभी ये जो लाइन है नीचे तक पूरा लेके जाना है, और नीचे का जो घेर है ऐसा सीधा सीधा नहीं लेके जाना है, नीचे का घेर का आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकती हो। मैं 15 पे उसको ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे का जो घेर है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकती हो। मैंने 15 इंच लिया, और ये आर्म होल का जो लाइन के साथ, देखिए इसके साथ पूरा नीचे तक ड्रॉ करके लेना है, ऐसा पूरा नीचे तक ड्रॉ करके ले रही हूँ मैं। गले के लिए देखिए, मैंने 3 इंच ले रही हूँ, और नीचे भी मैं 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बैक साइड का जो गला है मैं छोटा रख रही हूँ। इसको बॉक्स का जैसे बना के इसको राउंड शेप दे रही हूँ मैं गोलाई का। अभी मैंने जैसा ड्रॉ किया वैसा काटिंग करके लिया। लेने के बाद देखिए, ये बैक साइड का है। अभी फ्रंट का कटिंग करना है, जो बैक साइड है फ्रंट का ऊपर रखना है, जो दूसरा कपड़ा है उसको ऊपर रखना है। और देखिए, अपना तरफ बंद है और आगे का तरफ ओपन है। पूरा इस तरीके से पूरा ड्रॉ करके लेना है। देखिए, इस साइड में बंद है और उस तरफ बंद, मतलब ओपन है। आगे से देखिए, मैं 6 इंच एक्स्ट्रा है, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मैं प्लेट्स के लिए आगे का जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना मैं ले रही हूँ, तो 6 इंच है, और पूरा ड्रॉ करके लेना है। और मैं आगे थोड़ा डिज़ाइन करने वाली हूँ, इसलिए ऊपर से नीचे तक मैं 11 इंच पे ड्रॉ कर रही हूँ। अभी साइड में जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था मैंने कटिंग करके लिया, और ये ड्रॉ करके बैक साइड को साइड में ले रही हूँ मैं। अभी देखिए, गले के लिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। 6 इंच छोड़ने के बाद 3 इंच लेना है,
आगे से जो मैं प्लेट्स के लिए लिया वो नहीं पकड़ना है आपको, जितना ड्रॉ किया था वहाँ से गले के लिए 3 इंच लेना है। और डिज़ाइन के लिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लिया, आगे से 5 इंच लिया, लेकिन नीचे तक मैंने 11 इंच पे ड्रॉ किया। सीधा लाइन को ड्रॉ करके लेना है, क्योंकि आगे मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ इसलिए मैंने इसको ऐसा नीचे तक लिया। दूसरा कपड़ा लगाना है इसलिए ये देखिए ये फ्रंट का कटिंग हो गई। अभी इसको दो मतलब प्लेट्स डालते जाना है, हाफ हाफ इंच पकड़ के प्लेट्स को डालना है। और जितना 6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था प्लेट्स के लिए वो कटिंग करके साइड में कर लेना है। और जितना मैंने गले के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा लिया डिज़ाइन के लिए वो साइड में रख देना है, क्योंकि वो हिसाब से कपड़ा को आगे का कपड़ा लेना है। देखिए ये गले के लिए है। अभी जो डिज़ाइन वाला कपड़ा मैं लिया उसको पर डबल करके रखना है और फिर थोड़ा सा साइड में सिलाई मार्जिन भी साथ में ले लेना है। अभी देखिए मैं स्लिप्स के लिए मेज़रमेंट ले रही हूँ, जो आर्म होल है आर्म होल से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो देखिए जितना आर्म होल का मेज़रमेंट है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे कि यहाँ आर्म होल जितना है 9.5 है तो मैं 10.5 इंच लिया। देखिए मैं 10.5 इंच लिया, 1 इंच ज़्यादा लिया। और लंबाई मैंने 7 इंच लिया, आपका हिसाब से रख दीजिए। और 3 इंच मैंने डाउन किया, फिर इस तरह से मैंने उसको ड्रॉ करके लिया। और यहाँ से मैं 2.5 इंच आगे की तरफ लेके उसको शेप दे दिया। और मोरी आपका हिसाब से रख दीजिए। अभी इसको कटिंग करके ले रही हूँ। आगे का फ्रंट को भी मैं थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, हल्का सा। अभी देखिए कपड़े को ओपन करके लिया। अभी बीच में से थोड़ा सा मैंने काट लगा के लिया। लेने के बाद अभी 1/2 इंच लेके इस तरह से प्लेट्स को डाल देना है। जो कपड़ा मैंने कटिंग किया था गले के लिए वो भी उसके साथ मेज़रमेंट करके देखना है, ज़्यादा नहीं लेना है नहीं तो गला बड़ा हो जाएगा, इसलिए जितना है उतना लेना है। मैं पूरा ऐसा देखिए ऐसा फिर उसके साथ बराबर लगा के देखना है बराबर है कि नहीं, फिर उतना ही प्लेट्स डालना है। अरे ये आगे का जो गला है उसका मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। तो आला कपड़ा लिया और जो नाइटी का कपड़ा है वो भी लिया, तो एक ही साथ में मैं अलग से बकरम नहीं लगा रही हूँ, इसको ही कटिंग करके मैं पार्टी करके लेने वाली हूँ। अभी गले के लिए देखिए मैं 3 इंच ले रही हूँ और नीचे से मैंने 6 इंच लिया लंबाई, यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। लेके इसका बॉक्स जैसा उसको तैयार किया, फिर इसको राउंड शेप दिया। आप चाहे तो दूसरा डिज़ाइन भी कर सकती हो। और नीचे से थोड़ा सा मैंने हल्का सा डिज़ाइन किया, थोड़ा सा ट्रायंगल का तरफ शेप दिया मैंने। अभी इसको कटिंग करके ले रही हूँ। अभी देखिए इसको चारों ओर घुमा के उसको टीप लगा के लेना है,
पूरा घुमा के मैं टिप लगा के ले रही हूँ, फिर कपड़ा को पाल्टी कर देना है। देखिए और छोटा छोटा काट भी लगा लेना है जो गले में। अब इसको पाल्टी करके लिया मैंने, ये देखिए ये आगे का है और ये पीछे का है। अब देखिए जो फ्रंट है आगे का जो गला है उसको पूरा इस तरीके से रखना है, उसको बराबर पॉइंट पे रखना है। रखने के बाद उसको चारों ओर घुमा के टिप लगा के लेना है। देखिए मैं पूरा टिप लगा के लिया, ये देखिए ये अंदर का तरफ है। अभी बैक साइड को गला है उसको पट्टी लगा के ले रही हूँ। इसको अभी पट्टी को मैं मशीन सिलाई लगा रही हूँ। देखिए ये बैक साइड का गला बन के रेडी हो गई। अभी दोनों शोल्डर को जॉइंट करना है, बैक साइड और फ्रंट को। मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया। अभी स्लीव्स को लगाना है। मैंने दोनों स्लिप्स को लगा लिया। अभी देखिए हाफ इंच पकड़ के मोरी को फोल्ड करके लेना है। मैंने फोल्ड करके लिया। अभी जो दंड मतलब मोरी है उसको कितना रखना है आपका हिसाब से आप रख दीजिए, और साइड में फिटिंग भी कर लेना है। अभी नीचे का उसको भी फोल्ड कर लेना है। देखिए अभी नाइटी बन के रेडी हो गई। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट पे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।